माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माइनॉरिटी के मामले में कुछ कहना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान आज़ादी दी गई और माइनॉरिटी के साथ तिरछी नज़र से देखा जाता है, और माइनॉरिटी में जंग आज़ादी में जब 50,000 उलमाए को दरख्त पर टांग दिया गया, उस वक्त हम आज़ादी के साथ थे, आप भी साथ थे, हम भी साथ थे, लेकिन आज भी मुझे तिरछी नज़र से देखा जाता है। और उतना ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान की आज़ादी दी गई थी, साफ वलीउल्लाह उन्होंने आज़ादी की जंग आज़ादी लड़ाई लड़ी गई थी, उस वक्त 1500 मुसलमानों की हत्या हुई थी। उसके बाद 1857 में 50,000 उलमाए इकराम के लाहौरी गेट से लेकर दिल्ली तक, लाल किला तक, तमाम सारा दरख्त में टांग दिया गया था। आज माइनॉरिटी के लिए कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पिछले बार उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम माइनॉरिटी का कब्रिस्तान को घेरवा देंगे, आज तक वो सपना ही बना रह गया। आज तक माइनॉरिटी के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको अपने पैसे से हम पढ़वाएंगे, आज तक उनका ख्वाब ही रह गया। आज तक हमारे माइनॉरिटी के बच्चे बिल बिल लड़क रहे हैं, और जितने माइनॉरिटी के बच्चे हमारे यहाँ हैं, अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, जहाँ भी हैं, वो अपने बल पर खड़े हैं। आज वो केरल से, दिल्ली से, पंजाब से कमाकर कॉपियां लेकर आते हैं और अपने जीवन व्यापक करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे भाई शाहनवाज साहब उद्योग की बात करते हैं, उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट में फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी रहे हैं, और उतना ही नहीं, और पूरे उद्योग का जाल बिछा देना चाहिए, उनको हर चीज की जानकारी है, और सिर्फ वो ऊपर से फीट फाट नीचे मोकामा घाट बना के रखे हुए हैं। और उतना ही नहीं, वो सिर्फ ब्यूटी बॉक्स लेकर घूमते हैं और अपनी वाहवाही करा करते हैं, और कहीं तक कहीं कुछ नहीं है। और उद्योग में जितना भी कारखाना कल था सब बंद पड़ा है, ठप पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। और इसी पटने में विजय स्कूटर का फैक्ट्री था, कहाँ चला गया उद्योग मेल, कहाँ चला गया चीनी मिल, कहाँ चला गया। सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं, तरस रहे हैं। माइनॉरिटी लोग, काफी लोग परेशान हैं, खाने बिना मर रहे हैं। और आजकल पूरे जिला में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से चुने लोग वहां से दलाली कर यहां पर लाते हैं, और किसी को चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे तलाकशुदा, किसी को एक पैसा नहीं मिलता है। और जहां तक बीज का बिचौलिया, वहां से लेकर यहां तक पटना तक बैठे हुए हैं, और 100 रुपया लाकर किसी को 1 रुपया की आमदनी नहीं मिलता। जहां तक उन्होंने अररिया में कहा था कि हम माइनॉरिटी हॉस्टल खोलेंगे, और उन्होंने कहा था कि हम और जमीन खरीद कर देंगे, कहां चला गया वो सपना, कहां चले गए वो जमीन, कहां चला गया वो हॉस्टल, कहां चले गए। और माइनॉरिटी के जब वोट लेना होता है, तरह तरह की बातें करते हैं और मीठी मीठी बोली बोलते हैं, और इसी तरह से और लॉलीपॉप दिखाया करते हैं। और माइनॉरिटी के बाद जहां भी आती है वहां पर सबकी आंखें पाल की रखी जाती है, हमारा हिस्सा, हमारा हक मुझे दो, हक से दो, हक मत छीनो, नहीं तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। और बहुत सारी बातें हैं, बात इतनी है, जो चिने लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, और दिल्ली से लेकर पटना तक बैठे हुए हैं, वो सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं, और माइनॉरिटी के लोग देखावा। और हिंदुस्तान की आजादी में सबसे अहम रोल हम माइनॉरिटी का रहा है, और आप भी थे, हम भी थे। अगर जिनको अगर सपना हो, आज भी लाल किला में, इंडिया गेट में अपने नामों को देख लें, कितने लोग शहीद हुए। आज भी मुझे तिरछी नजर से देखा जाता है। बातें बहुत सारी हैं हुजूर, कहना बहुत सारी बातें थी, बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार।